गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के। यहाँ सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी दोस्तों, मम्मी की तैयारियां हो चुकी है घास के लिए जाने की और पापा बना रहे हैं अंदर खाना पहाड़ी बाकुली पे चूल्हे में। तो बगल वाली अम्मा और मम्मी जा रही है घास के लिए जंगल। गाय भैंस थे वो हमने खोल दिए हैं, अब इनको लगाते हैं वन की ओर। तो दोस्तों, यह है हमारी गाय की बच्चिया, तो इसे बांधते हैं बाहर। बाकी दोस्तों, आज पहाड़ की बाकुली में बन रहा है गाजर का हलवा, तो थोड़ी देर में हम कोरने वाले हैं गाजर को। बाकी मैंने गाजर को छील दिए हैं और अब हमारी सुनैना पानी मांग रही है, तो इसे पानी पिला देते हैं। सुनैना ने पानी पी लिया है। सुनैना भी आजकल बहुत अच्छी हो गई भाई, काली काली है सुनैना। आजकल धूप सेक दी है ना ये, तभी इस पर क्रीम पाउडर नहीं लगा रही है तो ये काली हो गई। तगड़े हो ना आजकल, ये काम पे बिजी है ना, तभी ये काली हो जा रही है, धूप लग जा रही है बेचारी को बाहर बैठते बैठते। बाकी तो खैर, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, तो चलते हैं फिर अपने कार्य को पूरा करने में। इसे पहाड़ियाँ बोलते हैं गद्दूकस। ये है, इसको ना आराम आराम से छोटे से छोटे छिलके बनाएगा, जिसे गाजर खाने में मतलब चावल के जैसे दाने जैसे बन जाएंगे उससे। मैंने गाजर को कोर दिया है, अब उसकी बारी है फ्राई होने की। जब मम्मी आएगी ना जंगल से, तब वो मटेरियल देंगे सारा, तब तक मैं अपने ऊपर वाली खेत को झोल लेता हूँ। तो आज आमा को आए हुए 5-6 दिन हुए हैं और आमा ने ना पूरा खौ लीप दिया है। ये देखो, पूरा आंगन ना लीप दिया है, पूरे गाय के गोबर से लीपा है आमा ने पूरा खौ। आंगन को लीप के तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है भाई हमारा आंगन। तो मैंने दोनों पाइप निकाल दिए हैं, ऊपर नल से ना लेके हुए आते हैं आना है मैंने, नीचे 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 इन खेतों में लगाना है। इन खेतों में और सिंचाई करनी है थोड़ा बहुत, आजकल ना हमारे गांव में लगातार पानी आया हुआ है। मैंने यहाँ से पानी लगा दिया है, यहाँ से सर फौकी गया होगा नीचे को। लगा दिया है और अब इसे अपनी गड़ की सिंचाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा प्याज का खेत भाई, कितना अच्छा हुआ है देख सकते हो, अच्छे अच्छे प्याज की गठियाँ हुई हैं। कुछ टाइम बाद इसमें गठियाँ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। जितना दिखने में आसान होता है ना पहाड़ी जीवन, लेकिन उतना करने में नहीं होता भाई। पहाड़ी जीवन बहुत कठिनाई वाला है। दिन मान भर आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मैं काम ही काम करते रहता हूँ भाई। अभी आजकल पहाड़ में आया हूँ तो काम ही काम करते रहता हूँ, मतलब उससे पहले भी सोच सकते हो कि कितना काम करता हूँ। बट कि अब मैं आजकल हल्द्वानी चले गया हूँ, तो आजकल काम इतना नहीं होता है कि हल्सी हल्द्वानी से कॉलेज ही करूँ। तो भाई, सुबह का मौसम तो बहुत बढ़िया था, अभी हल्के हल्के बादल लगने स्टार्ट हो चुके हैं, देख सकते हो भाई। इस साइड को भी देख सकते हो और इस साइड को भी देख सकते हो। आज हमारे गांव में आए हैं बजरंगबली, मतलब कि वो इतना उत्पात कर रहे हैं ना, जिसने लंका पे आतंक मचाया था वो इस कांडे को क्या छोड़ेंगे। किसी के घर से गेहूं खा रहे हैं, तो किसी के घर से टमाटर, किसी के घर से आलू, तो भाई वो अंदर तक घुस जा रहे हैं, रोटियां तक निकाल ले आ रहे हैं। बाकी ना सामने आगे पे बैठे हुए थे अभी, और अभी भगा दिया मैंने ना बजरंग बली को, भगाने के लिए गुरेज रखी हुई है। जैसे ही वो आएंगे ना सीधे भगा दो उनको, मारूंगा तो नहीं खैर, मारूंगा तो अपना ही ज्यादा वो नुकसान मचाएंगे। फिर खाली भगाने के लिए, डराने के लिए रखी है वो, ऐसे इनसे डरते हैं वो। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ अपने कान में, यहाँ मेरे कान देख रहे हो ना, मेरे कान में है बालियां, तो इन बालियों को मैं सिनक में बदल रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर ना सिनक मिलते हैं, काले काले होते हैं वो सिनक मिलते हैं, तो अपने कान में सिनक डाल देता हूँ, जिससे ना कान के छेद भी बराबर रहेंगे और ये बालियां चुभ रही है अंदर से, मतलब कि जो इनका तीखा तीखा है वो चुभ रहा है, तो वो लकड़ी से नहीं चुभेगा और अच्छा भी हो जाएगा, पकेंगे नहीं कान। यहाँ पर अभी बांदर बैठा था, बांदर महाराज भी चले गए हैं। तो ना मुझे यहाँ पर सिनक भी मिल चुके हैं, ये जो ये पौधा देख रहे हो ना, सूखा सूखा पौधा, इसको ही सिनक बोलते हैं।
बाकी इसका नाम बोलते हैं कौकाटी का सिंक। तो मैं कौकाटी का सिंक लेके आ चुका हूँ, अब इन कानों में डालते हैं। ये कान है ना, इस कान में ये वाली बाली है, बाली नहीं कनफूल है, पता नहीं क्या है ये, इस बाली है तो इनको बदलना है आज। बाकी दोस्तों मेरे कान में पहनाएंगे कौकाटी का सिंक। बाकी हमारा प्लान था आज गाजर का हलवा सुबह ही बनाया जाए करके, लेकिन तो अभी टाइम हुआ तो अब बनाते हैं भाई गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने से पहले आज हमारे घर में बन रहा है छाछ, मतलब कि जिससे घी बनता है मट्ठा, तो आपको दिखाते हैं। तो यह है हमारी टैंक जिसके अंदर है दही। जो पहले के जमाने में होते थे वो हाथ से करते थे, अब मशीन की टेक्नोलॉजी आ गई है तो मशीन से कर रहे हैं। बाकी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है ये। तो दोस्तों इसमें एक चम्मच हम घी डाल देते हैं भाई पहले। तो हमारी कढ़ाई तो जल गई, लेकिन आप अपनी कढ़ाई मत जलाना कभी बनाओगे तो। कि दोस्तों यह है गाजर, ये चेक करो। तो चेक करते हैं, होगा नहीं, हाँ हो गया हमारा। तो दोस्तों थोड़ा कॉल जाने के बाद जैसे जैसे हिलाते रहना है, जैसे कि हल्का हल्का पक जाए। जलती हुई गैस को थोड़ा कम कर लेना है। तो भाई आज ना हम ड्राई फ्रूट के बदले गोले का उपयोग कर रहे हैं। गोला हमारा ड्राई फ्रूट का काम करेगा, क्योंकि ना गांव में ड्राई फ्रूट नहीं मिलते हैं, ऊपर साइड ही जाना पड़ता है। मैंने अचानक से प्लान बनाया कि आज गाजर का हलवा बनाते हैं, तो कहाँ मिलता इतनी जल्दी। फिर उसके बाद हमारे पास गोला पड़ा था, तो हम गोले का ही ड्राई फ्रूट के रूप में ले लेंगे। इस प्रकार हमने गाजर को घिसा था, उसी प्रकार गोले को भी घिसते हैं ड्राई फ्रूट के रूप में। दोस्तों हमारा ड्राई फ्रूट भी रेडी हो चुका है और ये भी पकने लग गया है। तो ये भी गाजर का हलवा भी पकने लग गया है। बाकी अब इसमें डालना है हमने दूध। हमको लग रहा है कि देखो आपको लग जाएगा ना चिमोड़ी चिमोड़ी जैसा लग जाएगा। ये है हमारा गाय का दूध और इसमें डालते हैं दूध। इसमें से लेंगे एक लोटी, एक या दो लोटे लेते हैं। बाकी भाई अब इसमें डाल देते हैं गाय का दूध, गौ माता का दूध है भाई, ये डाल दिया हमने इसमें। तो अब इसमें डाल देते हैं शक्कर, चीनी डाल देते हैं। तो यह है ड्राई फ्रूट, अब इसके बाद हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट के रूप में डाले। हाँ सॉरी, ड्राई फ्रूट को नहीं मान सकते हैं। तो दोस्तों हलवा बनाने का मेन रीजन हमारा यह था कि कल हमारी गाय ने दूध नहीं दिया, आज सुबह थोड़ा ज्यादा दूध दिया था, तो हमने कहा आज हलवा ही बना लेते हैं। कि हमारा इस साइड छाछ भी बन चुका है, देखो छल छल हो गई भाई, छाछ से गिर गया नीचे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज का मौसम देख सकते हो भाई, इतना डेंजर हो गया ना, क्या ही बोले। तो गाजर का हलवा तो मैंने दिन में ही बना दिया था, लेकिन अम्मा आई नहीं तो आमा मैं और मम्मी है खाने वाले। तो आमा आई नहीं, मम्मी वहाँ पर, मम्मी बोली थी उस टाइम मैं नहीं खा रही हूँ। बट फिर उसके बाद मैंने कहा जब आमा जाएगी तभी खाएंगे, तो आमा आ चुके हैं और मैं आमा के लिए ला भी गया हूँ। तो आमा और मैं खा लेते हैं। बाकी दोस्तों आमा यहाँ पर खा रही है, लेकिन ना आमा के गीत ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आमा को खाने नहीं लग गया। तो फाइनली शाम भी हो चुकी है। जो आज हमने गाय का जो मक्खन बनाया था ना, वो देखो ये है मक्खन भाई, इससे ही घी बनता है, इसे गरम करके। दोस्तों आज हमारे घर में बन रहा है लीटा, तो आपने खाया ही होगा। खैर आपने अगर जिसने खाया है कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करें, एक प्यार सा कमेंट जरूर कर देना। मैं हिमांशु राज मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत जय देव उत्तराखंड, बाय बाय।